नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ लेफ्ट ओवर रोटी के पकौड़े। इसे आप ग्रीन चटनी, केचप के साथ, चाय के साथ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत इजी है ये बनाना। बहुत ही कम सामग्री लगती है इसे बनाने के लिए। ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं लेफ्ट ओवर रोटी के पकौड़े बनाना। लेफ्ट ओवर रोटी के पकौड़े बनाने के लिए हमने ये सामग्रियाँ ली हैं। हमने 1 बाउल मेजरमेंट कप से 300 ग्राम ये बेसन लिया हुआ है। सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 2 ऑनियन को हमने बारीक चॉप कर लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया हुआ है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है, यह ऑप्शनल है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल लिया है हमने फ्राई करने के लिए, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 पिंच हींग लिया हुआ है। और ये 3-4 रोटी ली है, रात की बची हुई रोटी है ये। अब हम रोटी के पीसेस काटेंगे। हमने सीजर लिया है, सीजर के बदले आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, पर सीजर से रोटी के पीसेस अच्छे कटेंगे। इस तरह से हम इसके स्लाइस करेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार पतला स्लाइस भी कर सकते हैं। रोटी को हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हम बेसन के घोल तैयार करेंगे। हमने 1 बाउल लिया हुआ है, इसके अंदर हम बेसन डालेंगे और हमने जो मसाला पाउडर लिया है एक एक करके सारे को ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और हींग, सारी सामग्रियाँ मिक्स कर लेंगे बेसन में। अब इसके अंदर हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन के बदले आप जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन से पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च, ऑनियन और हरी धनिया डाल के मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम थिक बैटर तैयार करेंगे। हमने पकौड़े के लिए ये बैटर तैयार कर लिया है। इतना थिक होना चाहिए हमारा बैटर, ये परफेक्ट बैटर है। इससे पतला बैटर हम तैयार नहीं करेंगे, नहीं तो वो रोटी में नहीं चिपकेगा। हमने जो बेसन का घोल तैयार किया हुआ है इसमें हम एक एक करके रोटी के पीसेस डालेंगे और उसे डीप करके हम फ्राई करेंगे। हमने गैस पे तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रोटी के जो पकौड़े हैं डीप फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसे हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। हम कढ़ाई में 3 से 4 पकौड़े एक साथ डालेंगे कि एक दूसरे से वो चिपके नहीं। पकौड़ों को अब हम पलट देंगे। अब हमारे पकौड़े जो है अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी डालेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप ये लेफ्ट ओवर रोटी के पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।